कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, की गृह मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। संसद घुसपैठ का मामला, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। खरगोन संसद भवन में घुसपैठ और सांसदों के निलंबन मामले में शुक्रवार को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। दोपहर वाहन रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संसद भवन में घुसपैठ के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए गृह मंत्री को बर्खास्त करने सहित घुसपैठियों को पास उपलब्ध कराने वाले भाजपा सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिला अध्यक्ष रवि नाइक, भीकनगांव विधायक केदार डाबर, पूर्व विधायक रवि जोशी सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष नाइक ने कहा कि जिन लोगों ने घुसपैठियों को पास दिया वे संसद के अंदर बैठे हैं और जो लोग इस लोकतंत्र के मंदिर में गलत मंशा लेकर घुसे उनके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि घुसपैठिए अपने साथ जो स्मोक गैस लेकर गए थे वह जहरीली भी हो सकती थी, जिससे बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार विपक्ष के सवालों से घबराकर या तो जवाब देने से बचती है या सांसदों को संसद से बाहर करवा देती है। यह सरकार के तानाशाही और अहंकार को दर्शाती है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार स्वयं ही लोकतंत्र की हत्या करने पर आमादा है। देश के सांसद भवन, खास तौर पर जब संसद सत्र चल रहा हो तब उसकी सुरक्षा की जवाबदारी केंद्र सरकार की होती है। देश की केंद्र सरकार अहंकारी हो गई है, तानाशाही रवैया अपना रही है। देश की संसद में स्मोक बम चल गया। बीजेपी के सांसद ने, जिसने उन लोगों को संसद भवन में प्रवेश दिलाया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। देश की सुरक्षा, संसद की सुरक्षा में यह गंभीर चूक है, जिसकी जवाबदारी है देश के गृह मंत्री की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती। उल्टा विपक्ष जब अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और सरकार से सवाल पूछ रहा है तो विपक्ष के सांसदों को सरकार षड्यंत्र पूर्वक संसद से निलंबित कर रही है। इसी को लेकर के जब संसद में जवाब नहीं दिया जा रहा तो विपक्ष सड़कों पे उतर करके इस बात को ले जा रहा है। चूंकि अगर मान लो, कल्पना करिए कि अगर वो गैस जहरीली होती तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता। ये सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है, विपक्ष उठा रहा है, लेकिन सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, कोई जवाब नहीं दे रही। इसी को लेकर के आज हमने ज्ञापन दिया, पूरे देश भर में ये आंदोलन चालू। डिजियाना न्यूज डिमार्ट रिपोर्ट, खरगोन। बिहार की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।